हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। माय टुडेस टॉपिक इन माइक्रोबायोलॉजी इज स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। बेटा आज हम पढ़ेंगे स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में, जिसके मैंने प्रीवियस में दो टॉपिक बना चुका हूँ और मैंने उसमें आपको प्रोसेस समझाया हूँ कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, असेप्सिस क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टेरलाइजेशन क्या होता है। सबके हमने कॉमन डेफिनेशन हमने सबकी समझी है प्रीवियस वीडियोज़ में। और हीट या ड्राई स्टेरलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, ड्राई स्टेरलाइजेशन को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा है कि ड्राई स्टेरलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो वो सारा वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप प्लीज़ वो देखिएगा फिर इस वीडियो को खोल के देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ। बीच में से घुसोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो स्टेप वाइज देखना। और अब हम इस वीडियो में समझेंगे बेटा मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन के बारे में। इसके पहले हमने डायरेक्ट हीट दी थी, जो कि फ्लेम के द्वारा हमने क्या दिया था, हीट सप्लाई किया था। और फ्लेम क्या होती है बेटा, ड्राई हीट होती है ना, तो ड्राई हीट के थ्रू स्टेरलाइजेशन कैसे करते हैं वो समझा था। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि मॉइस्ट हीट देकर, यानी कि हीट देंगे पर वो हीट में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, नमी होगी, उस तरीके से अगर हम हीट दें तो कि उस मेथड में स्टेरलाइजेशन कैसे किया जाता है, वो सारी बातें बेटा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना, कहीं जाना मत। इमेजेस भी है मेरे पास, इमेजेस भी देखते हुए समझेंगे, थोड़ा थ्योरी है, थ्योरी देखते हुए समझेंगे, तो जल्दी से भागना मत, पहले समझ लो। पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना लेना, नहीं आया तो कहीं बाहर से देख लो, कोई दूसरा टॉपिक कहीं नेटवेट से मिल जाता है, कोई बुक से मिल जाता है, तो उसमें भी आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपने तरीके से अपने हिसाब से नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और ये मैंने बहुत प्रिसाइजली, बहुत आपके हिसाब से शॉर्ट करके और बहुत छाट के ये बनाया है, तो इसमें से और छाटने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ही है आपके हिसाब से, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। मेथड्स ऑफ स्टेरलाइजेशन में बी यूज एट डिफरेंट टेम्परेचर एज फॉलोज। जो मेथड है बेटा स्टेरलाइजेशन की, वो डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। और वो कौन कौन सी होती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मतलब इसका स्टेरलाइजेशन है। तीन तरीके के टेम्परेचर बेटा हम इसमें रखते हैं स्टेरलाइजेशन के लिए, तो उन तीन टेम्परेचर को हम समझेंगे। सबसे पहला टेम्परेचर है बेटा एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम स्टेरलाइजेशन करेंगे मॉइस्ट हीट के द्वारा करेंगे, और वो जो मॉइस्ट हीट रहेगा उसका जो टेम्परेचर रहेगा बेटा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर रहेगा, या तो 100 से कम का जो टेम्परेचर रहेगा उस मेथड से हीट की जाती है, एक तो स्टेरलाइजेशन किया जाता है। एंड द सेकेंड मेथड इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, या तो सिर्फ 100 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो 100 से कम ना तो 100 से ज़्यादा, इतना टेम्परेचर पे हम इसको हीट करें, या तो एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाव 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 से ज़्यादा का टेम्परेचर पे भी हम उसको रख कर स्टेरलाइज करते हैं। तो इन तीनों प्रोसीजर्स को, तीनों स्टेप को हम स्टेप वाइज समझेंगे कि किस में हम बिलो में रखते हैं और कौन सी प्रोसीजर में हम 100 पे रखते हैं, और कौन से प्रोसीजर में हम अबाव 100 रखकर स्टेरलाइजेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ कुछ टाइप्स कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको रख कर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मेथड यूज हो जाती है स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस में। तो बेटा स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस में जो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जो हम करते हैं उसको बोलते हैं पेस्चराइजेशन। क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन बोला जाता है इस मेथड को, जब हम इसको बिलो या 100 डिग्री सेल्सियस से कम जब रखकर हम किसी चीज़ को स्टेरलाइज करते हैं। तो पेस्चराइजेशन आप जानते हैं कि लुईस पाश्चर ने दिया था, ये इसको निकाला था, डिस्कवरी किया था इसका, इसको डिस्कवरी नहीं बोलूँगा, इसका खोज की थी, पेस्चराइजेशन की थ्योरी उनने दी थी। तो पेस्चराइजेशन किसका करा जाता था, करते हैं हम पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का करते हैं। टू टाइप्स ऑफ मेथड, होल्डर मेथड, दो तरीके की मेथड होती हैं, एक तो होती है 63 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 30 मिनट्स के लिए करते हैं, है ना, और एक मेथड होती है बेटा जिसको हम करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं 20 सेकेंड्स के लिए, और उसको क्विकली फिर ठंडा भी कर देते हैं 13 डिग्री सेल्सियस के लोअर टेम्परेचर पे उसको ला लेते हैं। इस तरीके से दो तरीके से स्टेरलाइजेशन किया जाता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे, कि करते हैं या तो 63 डिग्री सेल्सियस पे रखो उसको 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे पे रख दो, है ना, आधे घंटे के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पे ही, उतना ही बस उसमें हीट होनी चाहिए, उतना ही वो गर्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा गर्म ना हो और ये टेम्परेचर मेंटेन रहे,
ठीक है, मशीन्स के द्वारा मेंटेन रहता है सारा टेम्परेचर, उससे ज़्यादा हीट बढ़ती ही नहीं है। तो ये 30 मिनट्स के लिए रखते हैं, या तो आप 20 सेकंड्स के लिए रख दो 72 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 20 सेकंड्स के लिए, और फॉलोड बाय कूलिंग क्विकली टू 30 डिग्री सेल्सियस, लोअर टेम्परेचर आर यूज। और क्या कर दो फिर, इसको जल्दी से ठंडा कर दो, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ला लो, और ताकि क्या ना हो, इसका टेम्परेचर आगे ना बढ़े और चीज़ जो हम जो भी गर्म कर रहे हैं ये कर रहे हैं स्टेलाइज कर रहे हैं पक ना जाए, है ना। दूध को ज़्यादा गर्म करेंगे दूध फिर पकने लग जाएगा ना, दूध उबल जाएगा, तो हमको दूध को बॉयल नहीं करना है, इसको हमको पेस्चराइज करना है कि इसको एक ऐसे टेम्परेचर पर लाना है कि बैक्टीरिया मर भी जाए और दूध उबले भी ना, बॉयल भी ना हो। यही है पेस्चराइजेशन की मेथड, जो कंपनीज में टेट्रापैक्स वगैरह आते ना आपके पैकेट्स में, जो आते हैं दूध आता है, मिल्क आता है घर पे, और अगर आप लेने भी जाते होंगे मार्केट में तो वो पेस्चराइज होकर आता है ना। इसमें होता क्या है, पेस्चराइजेशन का फ़ायदा क्या है वो देखेंगे हम। ऑल नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस सच एज माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसेला एंड साल्मोनेला आर किल्ड। सारे नॉन स्पोरिंग जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो पेस्चराइजेशन की मेथड से मर जाते हैं। कौन कौन से नॉन स्पोरिंग होते हैं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, पर हमने कुछ कॉमन नेम यहाँ पे रख दिए हैं, कुछ कॉमन और चर्चित नेम जो लोग जानते हैं, माइकोबैक्टीरिया है ना, ब्रुसेला एंड साल्मोनेला, जो कि क्या करते हैं मोस्टली इन्फेक्शन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया क्या होते हैं पेस्चराइजेशन वाली मेथड से मर जाते हैं। आर किल्ड बाय, आर किल्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी कि कोई चीज़ यहाँ पे छूट रही है, तो कौन से बैक्टीरिया जो है कि वो नहीं होता है पेस्चराइजेशन में मिल, जिसको बोलते हैं कॉक्सेला बर्नेटी। कॉक्सेला बर्नेटी जो बेटा बैक्टीरिया होता है, विच बीइंग रिलेटिवली हीट रेजिस्टेंट मे सर्वाइव इन होल्डर मेथड, और जो कि क्या होता है हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी इसको कितनी भी गर्मी दे दो इसको ये क्या होगा, मरेगा नहीं, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है ये, गर्मी से ये मरता नहीं है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया पेस्चराइजेशन मेथड से नहीं मरता है, इतना जो हीट है इसके लिए 60-30 और 100 डिग्री सेल्सियस, इतना जो हीट है इसके लिए इसको सफिशियंट है इसके लिए सर्वाइव करने के लिए, यानी कि इतनी हीट टॉलरेट कर पाएगा, सह जाएगा, इसको कुछ हानि नहीं होगी, तो वो कॉक्सेला बर्नेटी नाम का जो बैक्टीरिया है वो सह जाता है, वो नहीं मरता है। बाकी के अदर जो नॉन स्पोरिंग फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं पेस्चराइजेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम और कौन कौन से होते हैं। इंस्पीसेशन एक मेथड होती है जो कि हम बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। इंस्पीसेशन मेथड में बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्पिरेटर नाम का, वो एक वाटर बाथ अगर आपने देखा होगा आपके लेबोरेटरीज में, और जिन बच्चों ने नहीं भी देखा होगा तो ऐसे टब के जैसा रहता है, स्टीमर जैसा रहता है, वो एक टब रहता है जिसमें पानी डालो और वो टब में पानी अपने आप गर्म होता है, और इस तरीके के इंस्पिरेटर भी रहता है और उसमें भी पानी गर्म होता है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है हम देखेंगे, सबसे पहले इसका जान ले फिर एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको समझाऊंगा। इंस्पिसेशन सम सीरम और एग मीडिया किस चीज़ के लिए करा जाता है पहले हम ये देखेंगे। कुछ सीरम और एग मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया, कल्चर मीडिया जब हम बनाते हैं ना, कल्चर मीडिया जिसमें हम बैक्टीरिया को स्ट्रिकिंग करते हैं, कॉलोनीज की ग्रोथ करवाते हैं, तो ऐसे मीडियाज में क्या होता है बेटा, ऐसे सब्सटेंस में, ऐसे कंटेंट में जिसमें कि क्या मिला हो, या तो सीरम मिला हुआ हो या तो एग मिला हुआ हो, है ना, ध्यान से समझना मेरी बात में क्या समझा रहा हूँ। ऐसे मीडिया जिसमें या तो सीरम मिला हुआ हो या तो उसमें एग मिला हुआ हो, एग का मतलब यह है कि पूरा अंडा फोड़ के नहीं डालते हैं उसमें, उसमें एग वाइट मिला हुआ होता है, एग एल्बुमिन मिला हुआ होता है ना, एग वाइट, या तो सीरम मीडिया हो। ऐसे मीडिया इसका एग्जांपल क्या है, सच एज लोवेंस्टीन जेंसन मीडिया यानी एलजी मीडिया या लोफलर सीरम। लोवेंस्टीन जेंसन मीडिया में क्या होता है, एग मिला हुआ होता है, बीटन एग्स मिलाते हैं ना उसको, क्या करता है बीटन एग्स सॉलिडिफाइंग करता है, सॉलिडिफाइंग नेचर होता है इसका, सॉलिडिफाई करता है उसको, जमाता है, ठोस बनाता है, जेलीलाइक स्ट्रक्चर बनाता है मीडिया का, वो किसके द्वारा होता है, एलजी मीडिया में एग के द्वारा। और लोफलर सीरम मीडिया क्या बोलते हैं, क्योंकि लोफलर मीडियम में सीरम मिला हुआ होता है इसलिए इसको लोफलर सीरम मीडिया बोलते हैं। तो ऐसे तरीके के मीडिया जिसमें सीरम और एग मिला हुआ हो इसको हम हीट करते हैं, आर रेंडर्ड स्टेराइल बाय हीटिंग एट 80-85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर हाफ एन आवर डेली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। यानी कि क्या करते हैं, ऐसे मीडिया को बनाने के बाद बेटा आप उसको स्टेरलाइज करना है, इसमें कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ तो नहीं है इसमें, तो क्या करते हैं 3 दिन तक लगातार, है ना, 3 दिन तक लगातार क्या करते हैं हम इसको हीट करते हैं 80-85 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, आधे से एक घंटे के लिए क्या करते हैं 3 दिन तक इसको लगातार इंस्पिसेशन पे इंस्पिसेशन करते हैं। और इंस्पिसेशन काय पे करते हैं, इंस्पिरेटर पे करते हैं, ठीक है।
दिस प्रोसेस ऑफ स्टेरलाइजेशन इज कॉल्ड इंस्पीसेशन. और ये जो प्रोसेस है बेटा स्टेरलाइजेशन की, इसको इंस्पीसेशन बोला जाता है. द इंस्ट्रूमेंट यूज इज कॉल्ड इंस्पिरेटर. और जो इंस्ट्रूमेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको इंस्पिरेटर बोलते हैं, और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंस्पीसेशन. बहुत ध्यान से समझना, प्रोसेस का नाम है इंस्पीसेशन. जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं इंस्पिरेटर. हीट करते हैं 3 दिन तक लगातार, और 3 दिन तक लगातार करते हैं हीट. कितने टेम्परेचर पे? 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पे. और कितनी देरी के लिए करते हैं? आधे से एक घंटे तक हम इसको हीट करते हैं, ठीक है. और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये? ऐसी मीडिया जिसमें सीरम या एग मिला हुआ हो उनको स्टरलाइज करने के लिए इस तरीके की मेथड यूज़ करी जाती है. एक और मेथड होती है जिसको बोलते हैं वैक्सीन बाथ. वैक्सीन बाथ में बेटा क्या होता है? बैक्टीरियल वैक्सीन आर स्टरलाइज्ड इन स्पेशल वैक्सीन बाथ एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर. जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं, जो बैक्टीरियल के खिलाफ जो वैक्सीन जो हम यूज़ करते हैं उनको भी स्टरलाइज किया जाता है. वाटर बाथ में रख के उनको स्टरलाइज करते हैं, और एक ही बार करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए इनको स्टरलाइज किया जाता है. वैक्सीन बाथ्स को, वैक्सीन बाथ में किसको? वैक्सीन को किया जाता है, बैक्टीरियल वैक्सीन को किया जाता है. समझ में आया? अभी हम और आगे आएंगे. मॉइस्ट हीट समझ में आया आपको? मॉइस्ट हीट हमने समझा. मॉइस्ट हीट में 3 तरीके की मेथड यूज होती है, और हमने बिलो 100 डिग्री सेल्सियस हम देखा है ना. ये देखो इंस्पिरेटर इस तरीके का ये दिख रहा है, ये इंस्पिरेटर इस तरीके से दिखता है. ऐसी इसकी इमेज होती है इंस्पिरेटर की, समझ में आई इमेज? ठीक है, ऐसा टब रहता है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, दिख रहा है एक उसमें ऊपर लगा हुआ है मीटर लगा हुआ है, एक थर्मोस्टेट जैसा जो टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है, और हम मीडिया रख के इसमें हीट करते हैं और स्टेरलाइज करते हैं. ठीक है, अब देखेंगे बेटा, हमने बिलो देख लिया, अब हम देखेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. जब हमने बिलो समझ लिया, मॉइस्ट हीट 3 तरीके से काम करती है, या तो उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे कम पे करो, या 100 पे ही रखो, या 100 से ज़्यादा पे रखो. हमने कम वाला समझ लिया. अब 100 पे रख के हम इसको जब स्टरलाइज करते हैं तो कौन कौन सी मेथड होती है हम देखेंगे. सबसे पहली बेटा मेथड है हमारी, बहुत चर्चित और पॉपुलर मेथड है, जो है कि बॉयलिंग, है ना, उबालना. मॉइस्ट हीट है, अब हीट तो हम दे रहे हैं, पर हीट का जो सोर्स है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है. पहले जो हीट का सोर्स था वो फ्लेम था, है ना, आगे के द्वारा दे रहे थे हम, फ्लेम जलाकर दे रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था? ड्राई हीट थी वो, है ना, कोई चीज़ गीली नहीं हो रही थी. इसमें क्या हो रहा है? मॉइस्ट हीट दे रहे थे, मॉइस्ट हीट के लिए पानी होना तो ज़रूरी है, बिना पानी के लिए मॉइस्चर तो आएगा नहीं. तो बॉइलिंग करेंगे हम, तो बॉइलिंग करते हैं और क्यों करते हैं देखेंगे हम. बॉइलिंग फॉर 10 to 30 minutes में किल मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म्स, बट मैनी स्पोर्स विद स्टैंड बॉइलिंग फॉर अ कंसिडरेबल टाइम. यानी कि बॉइलिंग करते हैं हम, जैसे कि पानी उबालते हैं ना, तो जब पानी उबलने लग जाता है बेटा, तो पानी कौन से टेम्परेचर पे उबलता है? बहुत हम 4th-5th से पढ़ रहे हैं ये चीज़, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइलिंग का जो, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है. ठीक है, तो हमने वाटर को यहाँ पे बॉईल कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. अब हमको कितना देर तक रखना है इसको? 10 to 30 minutes तक हमको बॉईल करना है. 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 to 30 minutes तक हमको उसको बॉईल करते रहना है. और ये चीज़ क्या करती है? ये चीज़ करती है बेटा वेजिटेटिव जो फॉर्म्स होते हैं बैक्टीरिया के, और बहुत से नॉन कौन से स्पोर्स भी होते हैं, वो बॉइलिंग से मर जाते हैं. कुछ बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो वेजिटेटिव फॉर्म्स के होते हैं, वो अधिकतर बॉइलिंग से मर जाते हैं. बट मैनी स्पोर्स विदस्टैंड बॉइलिंग फॉर अ कंसिडरेबल टाइम. पर बॉइलिंग में भी क्या होता है, बहुत से जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं मरते हैं, ठीक है, विदस्टैंड रह जाते हैं, यानी उसमें बने रह जाते हैं. 100 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर बॉइलिंग करो तब भी क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया रह जाते हैं, पर जो वेजिटेटिव फॉर्म्स के बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं. When better methods are not available, boiling may be used for glass syringes. अगर कोई इससे अच्छी method नहीं है boiling के अलावा, अगर आपके पास कोई method नहीं है sterilization करने की, तो आप boiling method भी use कर सकते हैं. और mostly बेटा ये method किस चीज़ के लिए use होती है? Boiling may be used for glass syringes. ग्लास सिरिंजेस के लिए, रबर टॉपर यानी पिपेट वगैरह जो भी है उसके ऊपर रबर का टॉप रहता है, रबर टॉपर के लिए. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स. हाँ, और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, जब हम सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, सर्जरी की जो प्रोसीजर करते हैं, सर्जरी करने के समय जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बॉइलिंग के द्वारा स्टरलाइज नहीं करते हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना.
बहुत सिंपल है, 100 डिग्री सेल्सियस पे करना है, टेम्परेचर हमारा 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम हमारा 10 से 30 मिनट का रहना चाहिए। और इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव फॉर्म्स के मोस्टली बैक्टीरिया किल हो जाते हैं पर स्पोर फॉर्मिंग किल नहीं होते हैं। ये मोस्टली हम ग्लास सिरिंजेस और रबर टॉपर को हम स्टेरलाइज करते हैं, बाकी ऐसी चीज़ें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि ऐसी चीज़ें जो सर्जरी में यूज़ हो रही है उनको हम बॉइलिंग के द्वारा स्टेरलाइज नहीं करते हैं। एक मेथड होती है बेटा टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन में क्या होता है, इसमें हम स्टीम देते हैं, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स ऑन 3 सक्सेसिव डेज, यानी कि 3 दिन तक लगातार हम इसको 3 दिन तक स्टेप वाइज बाय रोज 3 दिन तक हम इसको स्टीम देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहना चाहिए और 20 मिनट्स के लिए रोज हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम दे रोज कंटिन्यूसली देंगे। इससे क्या होता है, इज नोन एज टिंडलाइजेशन, और इस मेथड को टिंडलाइजेशन बोला जाता है और इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन या टिंडलाइजेशन मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है, जब हम स्टीम दे किसी भी चीज़ को 3 दिन तक लगातार 20 मिनट्स के लिए बस 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम स्टीम देंगे, और इस मेथड को बोला जाता है टिंडलाइजेशन। कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, इसको देख लो, ये देखो बॉइलिंग कर रहे हैं, ये कंटेनर चढ़ा हुआ है, लेबोरेटरी है ये, है ना, इसमें ये देखो मीडिया तो नहीं है, ये देखो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, कंटेनर को क्या कर रहे हैं ये लोग, बॉइल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लास, जो ग्लासवेयर्स वगैरह है, बॉइल करके हम इनको स्टरलाइज करते हैं। और एक कंपैरिजन टेबल मैंने यहाँ पे लगाया है, कंपैरिजन बिटवीन स्टरलाइजेशन पेश्योराइजेशन। स्टरलाइजेशन और पेश्योराइजेशन में क्या डिफरेंस है इसको समझ लो, कभी पेपर में आ सकता है, कोई पूछ ले 2 नंबर के पेपर में भी, अगर तो पता होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन पेश्योराइजेशन में, पेश्योराइजेशन एक्चुअली है स्टरलाइजेशन की मेथड ही, पर इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा से का टेम्परेचर रख के स्टरलाइज करते हैं, और पेश्योराइजेशन क्या होता है, 100 से कम डिग्री सेल्सियस का रहता है ना। देख लो, स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट्स हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। जब किसी भी प्रोडक्ट का हम स्टरलाइजेशन करें तो उसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ रहेगी। क्यों रहेगी लॉन्गर शेल्फ लाइफ, यानी कि उसका जो रहने की, बने रहने की जो स्थिति है तो वो ज़्यादा लंबे तक समय तक चलेगी, है ना। जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लेकर आया है ना, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आया, अगर वो स्टेरलाइज नहीं है तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और अगर स्टेरलाइज है तो ज़्यादा समय तक वो टिका रहेगा, एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, स्टेरलाइज प्रोडक्ट हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ज़्यादा लंबे समय तक रह सकते हैं, और जो प्रेशराइज प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ, इनका जो शेल्फ लाइफ रहता है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते, है ना। जैसे दूध का पैकेट खरीदा, उसको अगर नहीं उबालोगे तो दूसरे दिन वो ख़राब हो जाएगा, है ना। अगर क्योंकि क्यों ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेरलाइज्ड नहीं है, अंदर तो बेटा और भी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है उसमें, है ना। बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया किल नहीं हुए, वेजिटेटिव फॉर्म्स तो किल हो गया है, नॉन स्पोरिंग तो हो गए हैं, पर जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो तो किल नहीं हुए हैं, तो वो तो करेंगे ही उसमें, है ना, उसमें किसी तरीके का कंटेमिनेशन करेंगी, और फिर दूध खराब हो जाता है इस तरीके से। स्टरलाइजेशन किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था, बाय निकोलस एपर्ट से इनने किया था, निकोलस एपर्ट ने इसका डिस्कवरी करी थी स्टरलाइजेशन की। और पेश्योराइजेशन बहुत नोन इंसान है, बहुत अच्छे से सब कुछ ये लोग, इनको सब जानते हैं, डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने इसकी डिस्कवरी करी थी, बहुत अच्छे सब जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि लुईस पाश्चर ने क्या किया, पेश्योराइजेशन की थ्योरी लुईस पाश्चर ने दिया था, ये ध्यान रखना है ना। एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टरलाइजेशन क्या करता है, एलिमिनेट करता है सारे फॉर्म्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो स्पोरिंग हो या नॉन स्पोरिंग हो, चाहे वो हीट रेजिस्टेंट हो या वो हीट रेजिस्टेंट ना हो, सारे फॉर्म्स का स्टरलाइजेशन हो जाता है। स्टरलाइजेशन के थ्रू सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। एलिमिनेट पेश्योराइजेशन क्या करता है, एलिमिनेट्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेनिक हो, जो डिसीज कॉज करने वाले हो, मोस्टली ऐसे ही इन लोगों को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है पेश्योराइजेशन। बट मतलब हर किसी को नहीं कर पाता है, बहुत कम बैक्टीरियाज को पेश्योराइजेशन के द्वारा मार सकते हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में याद रखना। स्टरलाइजेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीके से हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। कैन बी अकम्प्लिश्ड विद हीट, इसको हम हीट के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, पेश्योराइज कर सकते हैं। पर स्टरलाइजेशन
हम बहुत सारी तरीके से भी कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन हम केमिकल्स के द्वारा भी कर सकते हैं, हमको ज़रूरी नहीं है कि हीट के द्वारा भी करें। कोई कोई केमिकल्स भी ऐसे रहते हैं जो स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल है ना। अल्कोहल क्या करता है, स्टरलाइज करता है ना। अभी कोरोना वायरस को क्या बोलते हैं कि अल्कोहल लगाओ भाई, सैनिटाइजर यूज़ करो। सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल रहता है। जितना ज़्यादा अल्कोहल उतनी ज़्यादा तरीके से क्या होगा, वो वायरस को मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। तो इस तरीके से केमिकल्स भी यूज़ होते हैं स्टरलाइजेशन में, है ना। ये बहुत सारे तरीके से हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, पर प्रेशराइजेशन सिर्फ हीट के द्वारा ही करा जा सकता है, ठीक है। स्टरलाइजेशन अप्लाइड इन फूड इंडस्ट्री। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या है यार? स्टरलाइजेशन हम फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हैं, और पैकेजिंग यानी कि पैकेजिंग करने के लिए किसी चीज़ को, फूड प्रोडक्ट्स को, इन सबको पैकेजिंग करने के समय भी स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट जो प्रेशराइजेशन मेथड है, मेनली अप्लाइड इन फूड इंडस्ट्री। प्रेशराइजेशन सिर्फ फूड इंडस्ट्रीज में ही अप्लाइड होता है। प्रेशराइजेशन हम काय में नहीं करते हैं, प्रेशराइजेशन हम लेबोरेटरीज में नहीं करते हैं, मेडिकल पर्पस से हम प्रेशराइजेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक और बहुत हार्मफुल कंडीशन रहती है। कोई कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है, हम नहीं जानते, तो हम प्रेशराइजेशन पे डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो हमने इस वीडियो में बेटा क्या समझा, स्टरलाइजेशन के बारे में समझा और प्रेशराइजेशन का कंपेरिजेशन देखा। देखो ये इसमें बॉइलिंग कर रहे हैं और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे एक टेम्परेचर करके हम टेंडलाइजेशन कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं। और इस भी सेशन समझा, इंस्पिरेटर में इंस्ट्रूमेंट को देखा कैसा कैसा होता है, और मॉइस्ट हीट के हमने दो टाइप तो समझ लिए हैं। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस समझ लिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसे हीट करना है वो समझ लिया है। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेटा कि 100 डिग्री सेल्सियस, अबाव 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो कौन